गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी, योर इशिता। तो आज मैं आप लोगों से कोई भी स्किन केयर के बारे में वीडियो नहीं शेयर कर रही, क्योंकि आज मैं अपने रूम की डेकोरेटर बन गई हूँ। तो आप लोगों से वही शेयर करूँगी। मैं थोड़ा बहुत अपने रूम को डेकोरेट करने वाली हूँ आज, जस्ट अपने वे में थोड़ा बहुत कर रही हूँ, वही आप लोगों से शेयर करूँगी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। दिस टाइम सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है, तो मैंने थोड़ा बहुत काम शुरू कर दिया है। साफ सफाई कर ली है। अब जो मैं करने वाली वो है वॉल को पेंट करने वाली। तो चलो और बातें ना बढ़ा के सीधा आप लोगों को दिखाई देती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। ये पूरा वॉल मैंने कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीट नहीं हुआ है अब तक। जो भी थोड़ा 50% बाकी था वो हो चुका है। अब टाइम भी बहुत हो चुका है, मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और मैं बहुत टायर्ड भी हो चुकी हूँ। तो थोड़ा ब्रेकफास्ट भी करके आते हैं। एंड इसके ऊपर और भी थोड़ा काम करना है, बट इसे सूखने देना पड़ेगा, क्योंकि एक लेयर किया है तो इसे ये सूख जाए। एंड मैं इसे फ्लोर भी बहुत अच्छे से क्लीन कर लूँ, उसके बाद मैं फिर से इसे करने आऊँ। वॉल अभी बाकी है, तो आप देख सकते हो मैं अभी काम कर रही हूँ। काम करते करते आप लोगों के साथ वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि हाइट में उठ के वीडियो बनाना थोड़ा रिस्क हो रहा है, नॉट पॉसिबल। इसे कॉम्प्लीट कर लूँ तो देन आप लोगों को फिर से दिखा दूँ ये फिनिशिंग लुक कैसा लगता है। ऊपर का पोर्शन भी कंप्लीट है एंड नीचे में भी मैंने काम कर लिया है, जस्ट ये पोर्शन बाकी है। तो इसे होने के बाद ही मेरा काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी बज चुके हैं 3:30। अभी तक मैंने ना नहाया है और ना ही खाया है। ये हो जाने के बाद ही मैं फ्रेश हो जाऊंगी। तो थोड़ा और काम बाकी है, उसे चटपट कर लेते हैं, उसके बाद आप सब लोगों को फिनिशिंग लुक दिखाती हूँ। जो कलर से डेकोरेशन था वो रेडी है, बट अब भी कुछ बाकी है, थोड़ा बहुत कुछ बाकी है जो मैं अभी करने वाली हूँ, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। एंड गाइस, सच बताओ तो मैंने इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया। मैंने सोचा कि चलो होगा मिक्स्ड अप, कलरफुल वॉल तो एटलीस्ट हो जाएगा, प्लेन से तो दिखने में अच्छा होगा, कुछ तो डिफरेंट होगा। बट मैंने जस्ट ओनली लिप्स से किया है, जितना भी है जैसा भी है मेरा घर है, मुझे तो पसंद है। बट हाँ, जो भी जिन्हें भी इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है इंटीरियर डेकोरेशन के बारे में, उन्हें शायद कुछ कुछ चीज़ मिस्ड अप लगेगी। बट मैंने कोई प्रोफेशनल साइट से या फिर प्रोफेशनल डेकोरेटर से नहीं करे, खुद अपने हाथों से किया है और मुझे इसके बारे में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पहली बार ही किया है। इसी बारे में बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग इसे लेकर गंदा कमेंट करें या फिर गंदा सोचेंगे कि ये है वो है, पर जैसा भी है मेरा घर है, मैंने इसमें थोड़ा बहुत चेंज लाने की कोशिश ताकि खुद को खुशी हो। एंड गाइस, मुझे इसे ऐसा बहुत छोटा मोटा काम जो कि मैं कर सकूँ, क्योंकि मैं अपने घर के लिए अपने लिए या फिर अपने लिए कर सकती हूँ, वो करने में अलग ही एक खुशी मिलती है। एंड ये जो प्लान है, इसका जो थॉट है, ये मेरे मम्मी का है, लाइक वो मेरी इंस्पिरेशन है। मैं नहीं, सिर्फ मेरे पापा भी, अगर हम लोग कुछ काम करते हैं तो
उसके पीछे दिमाग मेरी मम्मी का होता है, तो ये इसमें उन्हीं का हाथ है। सोचा नहीं था कि इतना अच्छा हो जाएगा, कि मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो चलो अच्छा तो हो गया। कुछ अगर गलत लगे भी तो आई एम सॉरी गाइस, बट मेरा खड़ है जितना भी है जैसा भी है। हाँ, कुछ कुछ साइट्स पे अभी भी मेंटेनेंस पेंटिंग हो चुका है, आपको आप देख सकते हो यहाँ पे। इस साइड में ये करने के पीछे भी यही रीजन है कि कुछ खराब होने से पहले कुछ मेंटेनेंस कर लिया जाए, और इसीलिए मैंने थोड़ा प्राइमर पे, सच में बोल रही हूँ गाइस, कुछ भी बाहर से लाके इस वक्त मैं नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत ज़रूरी काम के अलावा हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं। एंड जितना घर में सामान था उसी से मैंने किया है, आप लोगों को देखा ही है, और एंड लीव्स के हेल्प से जो थॉट आया तो इसी से किया है। तो अब और थोड़ा बहुत करूँगी, उसका थोड़ा सा सामान लेके आना है, देन मैं अपने हाथों से ही उसे बनाऊँगी, वो आपसे शेयर कर रही हूँ। एंड वो कल सुबह मैं यहाँ पे टांग दूंगी, तो उसे पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा या फिर बनाना पड़ेगा, तो चलो उसे कैसे बनाती हूँ वो भी देख लेते हैं। देख सकती हो मैंने यहाँ पे काम शुरू कर दिया है, थोड़ा बहुत जो डेकोरेट किया था वो यहाँ पे मैं फिक्स कर रही हूँ, तो चलो पूरा काम होने के बाद आप सबको दिखाती हूँ ये कैसा लगा। फाइनल लुक मैंने सिर्फ इसी पर भी फोकस किया है, तो बाल के बारे में मैं बाद में सोचूंगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो अब तक मेरे दिमाग मेरे हाथों में नहीं है कि इसका क्या करना है, जो कि ये है एक बड़ा है जो पिछले करीब एक डेढ़ साल से हुआ पड़ा है, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है हमारे पानी के जो लाइन्स है वहाँ पे, तो ये अभी तक डिसीजन नहीं लिया है इसका क्या करना है। एंड यहाँ पे ये भी बड़ा है, तो इग्नोर दिस, मैंने इस वॉल को फोकस किया है, डेकोरेट किया है, वो क्यों वो भी आप लोगों से जल्दी मैं शेयर करूँगी। बहुत रात हो चुका है, करीब 11 बज चुके हैं, तो मैं डिनर करूँगी, डिनर करने में भी लेट हो गया है, क्योंकि ये सब मुझे मेरे दिमाग में अभी आया कि अभी करना है और अभी कम्प्लीट करना है, तो ठीक है चलो कोई बात नहीं, इसके लिए मेरा ब्लॉग यहीं पे खत्म करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों से मिलती हूँ, आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।